निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी ने पूर्व सांसद फूलन देवी की संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर उनकी माता को दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की संपत्ति पर समाजवादी पार्टी पोषित माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इस संपत्ति को इनके कब्जे से मुक्त कराकर फूलन देवी की माता के नाम किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व सांसद फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराने, फूलन देवी के नाम पर महिलाओं के सेल्फ डिफेंस सेंटर खोले जाने, फूलन देवी के गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किए जाने आदि मांगों को भी उजागर किया गया है। जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी मनोज कुमार निषाद ने ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए बताया। 25 जुलाई को हम बहन फूलन देवी जी का 7 दिवस मनाते हैं। आज 7 दिवस को हम अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हमारी बहन फूलन देवी जी की जो संपत्ति है वो समाजवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा दबा ली गई है। उन्हें वो संपत्ति उनके परिवार को, उनकी माता जी को दे दी जाए और उनकी माता जी को पूर्व सांसद माता का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन के माध्यम से। इस मौके पर राजीव कश्यप, महिपाल कश्यप, प्रदीप कुमार, सौरभ कुमार फूलवती, राम भरोसे कश्यप, अरविंद कुमार, कपिल कुमार एवं कृष्णपाल कश्यप आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण शामिल रहे।